अनजान स्पेशल क्राइम्स यूनिट सीजन 1 एपिसोड नंबर 30 ओमिनस एंड स्कैरी इंडियन हॉरर क्राइम ड्रामा सीरियल विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इन दिस एपिसोड व्हेन स्ट्रेंज इलनेसेस बिगिन टू प्लेग रेजिडेंट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन अदिति एंड विक्रांत इन्वेस्टिगेट वेदर दे आर लिंक्ड टू द लेजेंड ऑफ अ कर्सड बुक। गगन उठो, कुछ आवाज आ रही नीचे से। गगन कौन है यहाँ पर, किसने किया है सब, किसने किया? दरवाजा तो बंद है, ये कौन है यहाँ पर? बाहर निकाल। मेरी किताब चोरी चोरी चोरी। गगन, राम नारायण, तू खून के आंसू रोएगा। राम नारायण, तू खून के आंसू रोएगा। क्या हुआ पापा? पापा पापा पापा, ये कैसे हुआ पापा? खून के आंसू, खून के आंसू। सर, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे सर। बताइए क्या केस है? मैडम, आजकल हमारे टीकमगढ़ में एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है, काफी लोग पीड़ित है सर उसे। तुमने अपनी रिपोर्ट में किसी शराब का जिक्र किया? जी हाँ सर, इन सारों में एक ही चीज कॉमन है, सब ने किसी ना किसी को उन्हें शराब देते हुए सुना है सर। किसको? वो तो पता नहीं सर, काफी लोग पीड़ित है, डरे हुए है, आप खुद ही चलकर देख लीजिए सर। जब तक इनके परिवार वाले इनके पास तक आते, छोड़ दूंगा। लेकिन डॉक्टर, इनकी ये हालत हुई कैसे? अरे ये तो बहुत बेटर है, कहीं एक सेकंड की भी देर और हो जाती ना तो इन्होंने तो दीवार से सर फोड़ फोड़ कर अपना स्कल ही तोड़ लेना था। ये कोई मानसिक बीमारी भी तो हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बिल्कुल हो सकती है, मगर जब ये होश में आए तो जोर जोर से कुछ भी बड़बड़ा रहे थे, ऐसा लगता है मानो किसी से भीख मांग रहे हो कि वो इसे छोड़ दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे डॉक्टर, ये आपके रेगुलर पेशेंट? जी नहीं, आइए मैं आपको एक मरीज और दिखाता हूं। ये देखिए, इन्हें हाइपोथर्मिया हुआ है, इनकी पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी है। इतनी गर्मी में? जी हाँ, जब ये कोलैप्स हुए तो इतनी गर्मी में भी ये एक स्टोव के साथ लिपटे हुए थे। आइए मैं आपको एक पेशेंट के पास और लेकर चलता हूँ जिसकी आज सुबह ही मौत हुई है, आइए मेरे साथ। डॉक्टर
इनके शरीर में जहर था। हमने पूरी कोशिश की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया, लेकिन जहर हर बार अपने आप इनके शरीर में वापस आ जाता था। इनका बचना मुश्किल था। डॉक्टर, इस तरह के बीमारी वाले पेशेंट्स आपके पास कब से आना शुरू हुए थे? यही कोई एक हफ्ते से। अरे रुकिए रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे भैया, मुझे एक बार बात तो कर लेने दीजिए। नहीं, परमिशन नहीं अंदर से। नहीं, अरे भाई बात करने दीजिए मुझे। नहीं जा सकते आप अंदर। अरे आप मामले को समझा करिए ना। सर नहीं जा सकते आप। भाई एक बार जाने तो दीजिए आप। देखा सर, मैंने पहले ही कहा था आपको, इन सब को किसी ने श्राप दिया हुआ है। कोई है जो इनके कानों में फुसफुसाता है सर, खून के आंसू रोएगा तू, ऐसा सुना था राम नारायण जी ने उनका देहांत होने से पहले। और वो हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है ना सर, तेरी छाती ठंडी पड़ जाएगी ऐसा सुना था उसने। और वो जिसका सर फटा हुआ है, उसे किसी ने कहा था कि तू सर पटक पटक के मरेगा। अदिति भाई, आप मैं इनमें से एक मरीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, मैं एक वैद्य हूँ और ये मरीज मेरे पास एक बार इलाज कराने के लिए आया था। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपसे ठीक क्यों नहीं हो? मैं नाड़ी तंत्र का विशेषज्ञ, इनकी बीमारी का इलाज में दवाएं काम नहीं करेंगी, ये चक्र का दोष है। मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, मगर ये बात तो मैं कील ठोक के कह सकता हूं कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूं। क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड विक्रम, आप में और मुझ में एक बात तो समान है, आप और मैं उन चीजों को बखूबी समझ सकते हैं जिन्हें एक आम आदमी नहीं समझ सकता। अरे ये कौन अंदर आ गया? निकालो इसे बाहर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस तरह के मरीज के सामने इतनी जोर से चीखना और चिल्लाना नहीं चाहिए। ये शायद आपको मेडिकल कॉलेज की शिक्षा में सिखाया नहीं गया है। विक्रम, इस शहर पे कोई खतरनाक सा आया है जिसे हमें रोकना होगा, वरना बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है। मुझे सिर्फ शक्तिशाली बनना है, तुम्हारा गुलाम नहीं। और इंसान इन शक्तियों का गुलाम है। नहीं, दाने का मोहताज दाने का मोहताज दाने का मोहताज कैलाश जी, खाना आपका हो गया और ले गया हूं। दाने दाने को मोहताज, दाने दाने को मोहताज। दो प्लेट और लाना। दाने को मोहताज, कुछ और लाऊं क्या? दाने दाने को मोहताज, पांच मिनट और ले। क्या बात है कैलाश जी, बहुत दिनों से खाना नहीं खाए क्या? दाने दाने को मोहताज, क्या आदमी है ये? कब से देख रहा हूँ खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अरे भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है क्या? कैलाश जी, बिल लेकर आऊँ? नहीं, अभी मेरी ये और ले गया। अरे ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। मुझे खाना, बहुत भूख लग रही है, दर्द भी हो रहा है, पर नहीं खाया तो भूख से मर जाऊंगा। लेके आओ, आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम। दाने दाने का मोहताज। अरे कैलाश जी, अरे रोको यार इनको यार कोई। अरे क्या कर रहे यार, चलिए समझाओ उनको। अरे बस करो भाई, कितना खाओगे? अरे बस करो भाई, ये तो मेरी दुकान पर बात कर। अरे भाई, अरे भाई बस करो भाई। कैलाश जी हमारे पुराने कस्टमर थे, आज तक उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया उनको, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था। सब हमको तो लगा कि वो कोई प्रैंक या फिर कोई मजाक कर रहे हैं। और वो ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे थे, और हाँ कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्या कह रहे थे? दाने दाने को मोहताज। हाँ साहब, हमने सुना है कि शहर में कोई श्राप दे रहा है सबको, पूरा आतंक फैला हुआ है। कैलाश जी से मिलने कोई आया था या उन्हें कोई फोन आया हो? नहीं मैडम, अब
वो रोज की तरह हमारे ठेले पे आए और खाना खाए, लेकिन हाँ वो अपनी बीवी की पिछली बार वो कंप्लेन कर रहे थे। क्या बोल रहे थे वो बार बार? यही कि उनकी बीवी ठीक। अरे वो नहीं, पहले क्या बोल रहे थे? दाने दाने को मोहताज। भोपाल से कैलाश अवस्थी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? नहीं सर। लेकिन सर यहाँ ड्रग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ है सर। हाँ कभी कभार शराब पीकर लोग छोटा मोटा झगड़ा पसाद करते हैं बस। हेलुसिनेशन सिर्फ नशीले ड्रग से नहीं होता है, ये मेडिकली प्रिस्क्राइब ड्रग का मामला भी हो सकता है। श्रीवास्तव यहाँ पे कभी कोई हॉस्पिटल से दवाई चोरी होने की कंप्लेन आई है? एक बहुत ही छोटा सा शहर है सर, अस्पताल भी एक ही है, ऐसी कोई घटना हुई होती तो सबसे पहले उसकी खबर हमें मिल जाती। देखिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम वो सब कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए प्लीज। लेकिन डॉक्टर इनको तो एलोपैथी के ऊपर कभी कोई भरोसा था ही नहीं, ये तो हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लिया करते थे और अपने सेहत का भी बहुत ध्यान रखते थे, चाहे खाने पीने का हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी एक्सरसाइज हो। लेकिन पता नहीं फिर भी इनके ये सब कैसे हो गया। देखिए ये कोई आम बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज, तो आप बस थोड़ा सा धैर्य से काम कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब जरा एक मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आइए। मुझे बताइए आपके सारे पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री में उन्हें कोई ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया हो जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या उनकी ब्लड टेस्ट में कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ट्रेसेस पाए गए? देखिए ऐसा है कि अगर इनकी मेडिकल हिस्ट्री में कभी भी कोई ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया होता या इनके किसी भी ब्लड सैंपल में किसी भी ड्रग के कुछ ट्रेसेस मिलते तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता। वैसे भी इस गांव में ज़्यादातर लोगों का भरोसा आयुर्वेदिक दवाओं पर ही है, जैसे कि ये शख्स खुद जिन्होंने सारी ज़िंदगी आयुर्वेदिक दवाई ही खाई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, किसी भी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट से ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उसमें कौन सी आयुर्वेदिक दवा है। थैंक यू डॉक्टर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ याद आया? तुम्हारा इशारा उस वैद्य की तरफ है। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। आओ। जानता था कि तुम एक दिन यहां जरूर आओगी। अच्छी बात है। श्रीवास्तव शुरू करो। यस सर। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये आप ही बता दीजिए वैद्य जी कि आप क्या कर रहे हैं। मगर आप ये जड़ी बूटियां क्यों जब्त कर रहे हैं? अब तक जितने भी लोगों की इन बीमारियों की वजह से मौत हुई है उनमें से तकरीबन 6 लोगों ने या तो आपसे दवा लिया या फिर सलाह, ऐसा हमारी पूछताछ बताती है। इत्तेफाक? I don't think so. श्रीवास्तव इनके पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स यहीं कहीं होंगे, ढूंढो। Yes, sir. मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात का विश्वास जानिए, कम से कम मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या मतलब है? ये सब जो कोई भी कर रहा है वो बड़ी उच्च स्तर की तांत्रिक शक्तियों का स्वामी है। और कौन है जो इस तरह की तंत्र शक्ति को जानता है? तंत्र शास्त्र में इतने ऊंचे स्तर तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ संसार में एक किताब ऐसी है जिसके माध्यम से सब किया जा सकता है। कौन सी किताब? मेरे गुरुजी ने बताया था कि हजारों हजार साल पहले राक्षसों ने तंत्र शास्त्र की एक पुस्तक की रचना की थी जिसके माध्यम से ये सब किया जा सकता है।
उसके माध्यम से किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क पर अधिकार किया जा सकता है, उसको पागल बनाया जा सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी ली जा सकती है। राक्षसों की किताब, उनकी कोई यूनिवर्सिटी भी है यहां आसपास? सर, ये इनके पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, राक्षसों की किताब, कैलाश अवस्थी, इसके आगे डेट भी लिखी है। इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पे इलाज के लिए आए थे। सिर्फ वही नहीं, और भी कई सारे नाम है जो बाद में जाकर विक्टिम्स बने। देखिए, आपका मुझ पर इस तरह संदेह करना व्यर्थ है। मैंने यहाँ पर रहकर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, लोगों की सेवा की है, लोगों के इलाज किए हैं, जान बचाई है लोगों की। आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोगों से पूछ लीजिए। वो तो बाद में पूछ ही लेंगे, फिलहाल छानबीन तो कर ले। ये तो रामनारायण के दुकान की स्टैंप है ना? रामनारायण तो वही है ना जिसकी आंखों से खून निकला था? और ये रामनारायण वही है जिसकी पहले मौत हुई है, सबसे पहले। और आप ही पूरे गांव में बोल रहे हैं कि ये किसी का श्राप है, और ये बोल बोलकर आप अपनी ये जड़ी बूटी वाली दुकान चला रहे हैं। काफी फायदा उठा चुके हैं आप इस बात का अब तक वैद्य जी। विक्रम देख सके क्या हुआ? विक्रांत, ये वैद्य जी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ये सब करके उन्हें और कितना फायदा होगा। वैसे भी इस गांव के बहुत सारे लोगों ने श्राप की बात कही थी, मुझे लगता है कि हमें उस राक्षस की किताब वाले एंगल को प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए अदिति। देखो, भले ही इस वैद्य ने इन सबका कत्ल ना किया हो, लेकिन उसका इस सब से कोई ना कोई ताल्लुक तो है, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। वैद्य ने किताब के बारे में जो कहा है वो सच है या नहीं ये पता करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ले लो जितना वक्त चाहिए, वैसे भी इसका मुंह खुलवाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। अदिति शर्मा, तुम कौन? जी, मैं रामनारायण जी का बेटा हूँ, गगन। माफ करना, मैंने आपको डरा दिया। वो उस रात जब पापा के साथ वो हादसा हुआ था, तब से पुलिस ने इसे सील कर दिया था। उस दिन के बाद से ही हमें आज मिली। उस रात ऐसा क्या हुआ था? पापा ने बताया कि एक आदमी आया था एक किताब ढूंढने के लिए, और ऐसा कहते ही वो गिर पड़े और उनकी आंखों से खून बहने लगा, और वो चिल्ला रहे थे, तो खून के आंसू रोएगा, तो खून के आंसू रोएगा। उस किताब में ऐसा क्या था? यही तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वह सारी किताबें बिल्कुल पुरानी और सस्ती है। हाँ, एक किताब थी, बड़ी अजीब सी थी, और हमने वो लॉकर में रखी थी। थी मतलब अभी कहाँ है वो किताब? जब मैं यहां आया तो वो किताब गायब, लेकिन उसकी एक फोटो है मेरे पास, मैं वो दिखा सकता हूं। उस हादसे से पहले इस पुस्तकालय में कोई आया था जो इस किताब के बारे में पूछ रहा? हाँ, एक दिन किशोर चंद जी आए थे इस किताब को लेने, पर अगले ही दिन उन्होंने इसे वापस कर दिया। ये किशोर चंद जी कौन है? वो हमारे गांव के एक वैद्य हैं। बस अब मुझे जाने दो,
मुझसे और नहीं होगा ये पाप। शान, तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो एक कार्य तुम्हें दिया गया है। कौन सा कार्य, कौन सा मकसद? मुझे सिर्फ नाम और शोहरत चाहिए था। मुझे मुक्त कर दो, मैं इस काम के लिए सक्षम नहीं हूं। इसका निर्णय तुम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। चलिए वैद्य जी, अब एक एक करके बताइए हर एक जड़ी बूटी के बारे में, कौन सी, कब, किसे दी, सब कुछ। अब यही बोलेंगे या फिर मैं कोर्ट से ऑर्डर निकलवाऊं और आपको हवालात में बंद कर दूं? देखिए, इन जड़ी बूटियों में कोई भी नशे वाली चीज नहीं है। ये मुलेठी है, अश्वगंधा है, शिकाकाई है। आप पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति मुझ पर नहीं, आप पर आ चुकी है। अब आप खुद की नाड़ी पकड़कर बैठी है, सोचिए कि आपने क्या किया है। देखिए, आप मेरी बात का विश्वास करें या न करें, भरोसा करें या न करें, मगर प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि निकट भविष्य में आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यही बिठा के रखिए इसे रात भर, सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा अपना, विपदा से। बैठिए आप, बैठिए। हाँ अदिति, किताब के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन एक और वैद्य के बारे में पता चला। किशोर चंद वो रामनारायण की दुकान पे गया था एक किताब लेने, लेकिन अब वो किताब गायब है। नाम क्या है उस किताब का? किताब का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसका कवर देखा है मैंने, फोटो है, मेरे पास सेंड करती हूँ। ठीक है विक्रांत, मुझे लगता है कि उस किताब का राज हमें किशोर चंद से ही पता चल सकता है। एड्रेस है मेरे पास उनका। ठीक है, अपना लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ। ठीक है। कौन है? हाँ गगन, कौन है? तू कीड़े की तरह कुचल कर मरेगा।
तो कीड़े की तरह कुचल कर मरेगा। तो कीड़े की तरह कुचल के मरेगा, ये गगन के आखिरी लफ्ज थे। लेकिन ये गाड़ी से कुचल कर नहीं मरा है। अब इसकी मौत एग्जैक्टली कैसे हुई ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। फिक्रांत, इन सब में उस श्राप के अलावा एक और चीज कॉमन है। तुम्हारे वैद्य जी? नहीं, वो किताब। गगन ने मुझे बताया था कि जिस रात वो किताब गायब हुई थी उसी रात उसके पिताजी की मौत हुई थी। और वो मरते वक्त बड़बड़ा रहे थे कि तो खून के आंसू मरेगा। इस गांव में जितने भी विक्टिम्स हैं वो मरने से पहले एक पहेली छोड़कर जा रहे हैं। और विक्रांत, इन सारी पहेलियों के जवाब हमें उसी किताब में मिलेंगे। मैंने तुमने भेजी हुई फोटो देखी, वो सदियों पुरानी और काफी महंगी किताब लग रही है। ट्रस्ट मी विक्रांत, वी रियली नीड टू फाइंड दिस बुक। देखो अदिति, किसी भी कंक्लूजन पे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद पहुंचते हैं। वो वैद्य की जड़ी बूटियां लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दी है, और आज रात पुलिस स्टेशन की हवा खाने के बाद वो सुबह तक मुंह तो खोल ही देगा। लेकिन तब तक इस किताब को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। किशोर चंद के घर चलते हैं, आखिरी बार वो किताब उसी ने देखी थी। चुल्लू भर पानी में डूबेगा। चुल्लू भर पानी में डूबेगा। यहाँ वहां कहीं जाइएगा मत, मैं भी जाके आता हूं। ए, अब ध्यान रखना, मैं जाके आता हूं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गगन, अरे क्या हुआ चाचा? चाचा क्या हुआ? किसे डर रहे हो? वो चुल्लू कुछ भी तो नहीं है वहां पे। चुल्लू बैठिए, मैं बैठा हूं यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। किस चीज से डर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है वहां पे, बेवजह घबरा रहे हैं आप। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों डर रहे आप? मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं, कोई नहीं मारने वाला आपको। चुल्लू भर पानी में? नहीं नहीं नहीं, अरे अरे पकड़े, भागा दे, लगता है पागल हो गए, इनको अंदर डालो। लोगों मार डालेगा, छोड़ो। बाहर जाने दो, मुझे मुझे बाहर जाने दो, वो मुझे बाहर डालेगा, बाहर डालेगा। चुल्लू वो मुझे बाहर डालेगा, बाहर डालेगा, बाहर डालेगा, बाहर डालेगा, वो मुझे बाहर डालेगा, मार डालेगा वो मुझे। चुल्लू भर पानी में मार डालेगा मुझे, मार डालेगा, मार डालेगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सर,
बोलो श्रीवास्तव। एक प्रॉब्लम हुई है सर। बोलो क्या हुआ? वो प्रजापति वैद्य जेल में मरी हुई हालत में पाया गया सर। क्या? ठीक है वही रुको, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? किशोर चंद के पास बाद में जाते हैं, वैद्य की पुलिस स्टेशन पे मौत हो गई है। चलो। कोई इतने कम पानी में डूब के कैसे मर सकता है? कौन आया था यहाँ? ड्यूटी पे कौन था? सर मैं था, और यकीन मानिए यहाँ पे कोई नहीं आया था। सो रहे थे तुम बाहर? विक्रांत, ये सब कुछ उस किताब की वजह से हो रहा है। अगर इन सब के पीछे वो वैद्य जी होते तो वो खुद क्यों मरते? मैं कह रही हूँ ना, वो किताब और किशोर चंद, उन दोनों का इससे कोई ना कोई कनेक्शन है। किशोर चंद वो तो एक वैद्य है, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, लेकिन किशोर चंद इतने बड़े वैद्य नहीं जितने की प्रजापति थे। लेकिन किशोर चंद ने तो वो किताब वापस कर दी थी ना, और अगर किशोर चंद ने प्रजापति को मारा भी है तो भी जेल के अंदर घुसकर कैसे मारा? वो नहीं पता, पर विक्रांत, उस किशोर चंद से हमें कोई ना कोई बड़ी जानकारी जरूर मिलेगी। लिख लिया मैंने आखिरी नाम, अब तो मुझे आजाद कर दो। वनराज कोई बचा, कोई बचा, कोई बचा, कोई बचा। वो किताब, इन सबकी जड़ वो किताब है। उस किताब को नष्ट करना होगा। वो एक राक्षसी किताब जो मैंने राम नारायण की दुकान से ली थी,
मैंने जैसे ही उसे हाथ में लिया, ऐसा लगा कि दुनिया भर की ताकत मेरे अंदर आ गई। वो किताब मुझसे कुछ कह रही थी। मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन क्या? लेकिन फिर अचानक से कुछ कुछ मेरे साथ अजीब सा होने लगा। मैं उस किताब को वापस कर आया, फिर पता नहीं वो किताब वापस कहां से मेरे पास आ गई, और साथ में आया वो राक्षस जिसने मेरे शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। उसे मेरा खून चाहिए, उसे मेरी आत्मा चाहिए, मुझे बचा लीजिए। किससे, किसकी बात कर रहे हैं? पीली आंखों वाला वनराज। वनराज, रुक जाओ वनराज, वनराज रुक। Come on!